हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एवोल्यूशन एक्स रोम के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपने रेडमी K20 प्रो में एवोल्यूशन एक्स रोम को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि भाई क्या एवोल्यूशन एक्स रोम हमारे लिए सेफ है, क्या हम इसमें बैंकिंग एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, क्या इसमें सेफ्टीनेट बाईपास होता है या नहीं होता। तो दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आने के बाद मुझे लगा भाई एक वीडियो तो बनानी चाहिए जिसमें आपको बता दूं कि आपके लिए एवोल्यूशन एक्स रोम सेफ है या नहीं है, बैंकिंग एप्लीकेशन काम करते हैं या नहीं करते हैं। इस वीडियो में मैं सारे टॉपिक को कवर करने वाला हूं, तो बस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने फ़ोन की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि हमारे डिवाइस सेफ्टी नेट बाईपास होता है या नहीं होता है, इसका मतलब हमारा डिवाइस सर्टिफाइड है या नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने रूट चेकर पर चले जाते हैं। आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे हमारा फ़ोन दिखा रहा है सॉरी रूट एक्सेस नॉट प्रॉपरली इंस्टॉल ऑन डिवाइस, का मतलब रूट हमारा डिवाइस अभी नहीं है। और दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ, आपको अपने गूगल प्ले स्टोर पे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ सेटिंग में जाके कि मेरा डिवाइस सर्टिफाइड है या नहीं है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सबसे नीचे देख रहा है डिवाइस इज सर्टिफाइड। अब दोस्तों, मैं आपको सेफ्टी नेट बाईपास पे लेके चलता हूँ जिससे हमें पता लग जाएगा हमारा डिवाइस सेफ्टी नेट बाईपास है या नहीं है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे टेस्ट रन टेस्ट पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा जो डिवाइस है वो सर्टिफाइड है, इसका मतलब हमारे डिवाइस में सेफ्टी है, हमारा गूगल प्ले स्टोर डिवाइस सर्टिफाइड है और हमारा सेफ्टी नेट भी बाईपास हो चुका है वो विदाउट रूट। इसका मतलब अगर आप एवोल्यूशन एक्स रोम को इंस्टॉल करते हैं तो आप अपने डिवाइस को सर्टिफाई ईजिली कर सकते हैं, आपको रूट की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने डिवाइस को सर्टिफाइड करने के लिए। अब दोस्तों, बात करते हैं कि बैंकिंग एप्लीकेशन हमें इसमें यूज़ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। दोस्तों, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया है कि हमारा डिवाइस सर्टिफाइड है और हमारा सेफ्टी नेट भी बाईपास हो चुका है। दोस्तों, जिन भी फ़ोन में हमारा सेफ्टी नेट बाईपास हो जाता है और हमारा डिवाइस सर्टिफाइड होता है तो हम उस फ़ोन में बैंकिंग एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है और वो सेफ भी रहता है, क्योंकि जो हमारा डिवाइस सर्टिफाइड हुआ है अब वो गूगल प्ले स्टोर के हाथ में, इसको मतलब गूगल के हाथ में है, गूगल हमारे डिवाइस में सिक्योरिटी प्रोटेक्ट कर रहा है। तो दोस्तों, अब हमें बैंकिंग एप्लीकेशन यूज़ करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, आप अपने बैंकिंग एप्लीकेशन अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि मेरे भाइयों को ये रोम इंस्टॉल करनी चाहिए। अगर आप डेली यूजेस में अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं, लाइक आपने ऐप ओपनिंग करते हैं, आपने डे टू डे लाइफ के वर्क होते हैं, दोस्तों अगर वो क्विक आप करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि वो काफ़ी अच्छी स्पीड में हो तो आप एवोल्यूशन एक्स की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों, अभी मेरे हाथ में रेडमी K20 प्रो है और इसमें आपका स्नैपड्रैगन 855 देखने को मिलता है। स्नैपड्रैगन 855 के साथ एवोल्यूशन एक्स रोम दोस्तों बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप देख सकते हैं, मैं ऐप ओपन कर रहा हूं तो देखते हैं आप कितनी फ्लुएंटली इसको ओपन कर रहा है ऐप। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका रैम मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है, आप यहां देख सकते हैं ये सारी चीज़ें मेरे रैम में है। जैसे मैं रूट चेक ऑन करता हूं, जैसे आप रूट चेक भी देख सकते हैं अभी मेरा रैम में है जो मैंने आपको सबसे पहले करके दिखाया था। तो अगर आप डे टू डे लाइफ में इसको देखें तो दोस्तों ये रोम काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाली है, आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस में मिलेगी। अब दोस्तों, बात करते हैं जिन मेरे भाइयों को गेमिंग करनी है क्या उनके लिए रोम सही है या नहीं है। दोस्तों, अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो दोस्तों डेफिनेटली ये एवोल्यूशन एक्स रोम आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि मैंने इसमें CPU थ्रॉटल भी करके देखा, आपका CPU थ्रॉटल इसमें नहीं होता है, स्टेबल ग्राफ आपका जाता है और आपको काफ़ी अच्छा स्कोर यहाँ पे देखने को मिलता है। एंटूटू का आपको 5 लाख तक स्कोर देखने को मिलता है, तो गेमिंग में तो नो डाउट इसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है। तो अगर आप इंटेंस गेमिंग करते हैं और आप चाहते हैं कि भाई मेरा स्नैपड्रैगन 855 की तरह ही परफॉर्म करे, जो कि MIUI में नहीं करता था, MIUI में बहुत CPU थ्रॉटलिंग हमें देखने को मिलती थी, तो दोस्तों आप एवोल्यूशन एक्स रोम की तरफ जा सकते हैं, आपको इसमें बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे मिलने वाली है। एंड दोस्तों, अब बात करते हैं जिन मेरे भाइयों को कस्टमाइजेशन पसंद है, इसका मतलब अगर आपको रोम में कस्टमाइजेशन पसंद है, आप अपने रोम को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये डेफिनेटली आपके लिए रोम परफेक्ट है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे द इवॉल्वर में जाके आपको इतनी सारी कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है। मतलब ये ऐसी कस्टमाइजेशन है, अगर आप इसे अभी देखने बैठेंगे तो कम से कम एक हफ्ते तक आपको नई चीज़ें मिलती रहेगी। तो दोस्तों, इसमें एन नंबर ऑफ कस्टमाइजेशन है, अगर आपको अपने रोम में कस्टमाइजेशन चाहिए तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड दोस्तों, इसमें OTA अपडेट भी आपको मिलती रहती है, इसका मतलब आपका पैच जो है लेटेस्ट पैच पे वर्क करेगा, जो सिक्योरिटी पैच आपका होता है वो लेटेस्ट आपका रहेगा, आपको OTA अपडेट्स भी मिलती रहेगी, इसका मतलब आप इसे अपडेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, ओवरऑल अगर मैं एवोल्यूशन एक्स का रिव्यू दूँ तो दोस्तों, अगर आपको गेमिंग करनी है तो ये आपके लिए परफेक्ट है, अगर आपको डे टू डे लाइफ में इस फ़ोन को यूज़ करना है तो आपके लिए परफेक्ट है। एंड दोस्तों, इसमें आप सेफ्टी नेट बाईपास कर सकते हैं, बाईपास क्या कर सकते हैं दोस्तों, आपको सेफ्टी नेट बाईपास मिलता ही है, आपको रूट की जरूरत नहीं पड़ती उसे बाईपास करने के लिए, तो आप अपने बैंकिंग एप्लीकेशन आराम से यूज़ कर सकते हैं। और मैंने आपको दिखा दिया कि आपका गूगल प्ले स्टोर भी सर्टिफाइड है। दोस्तों, आपको बैंकिंग एप्लीकेशन यूज़ करने में डरने की जरूरत नहीं है, आपका डिवाइस सर्टिफाइड है तो भाई गूगल के हाथ में आपका डिवाइस है, आप मतलब
गूगल प्ले प्रोटेक्ट आपके साथ चल रहा है, तो आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। तो होपफुली आपको अपने सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल गया होगा, क्या क्रोम इंस्टॉल करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये एवोल्यूशन एक्स क्रोम कैसी लगी, क्या आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। और दोस्तों अगर आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने एक वीडियो बना रखी है हाउ टू इंस्टॉल एवोल्यूशन एक्स क्रोम, तो आप वहाँ पर जाइए, आप वहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड दोस्तों गेमिंग में बहुत मजा आने वाला है, तो जल्दी से जल्दी आप उस वीडियो की तरफ जाइए और मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप इस रोम को इंस्टॉल करने वाले हैं नहीं करने वाले हैं। मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको एवोल्यूशन एक्स क्रोम कैसी लगी। दोस्तों हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।